हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव कुमार सिंगल नोन एज SKS सर। मैं अनअकैडमी के इंदौर के ऑफलाइन सेंटर में IIT JEE एस्पिरेंट्स को मैथ्स पढ़ाता हूं और हम लोगों ने IIT JEE 2023 को टारगेट रखते हुए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, रैंक रिफाइनर सीरीज, जो आपकी तैयारी को और रिफाइन करेगी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हम लोग का नंबर पार्ट 6 है। इस पार्ट 6 में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम प्लस प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे और हम लोग को IIT JEE एडवांस की भी डेट डिक्लेयर हो गई है 4th of June। तो हम लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना है और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो सीखने का प्रोसेस आपको डेवलप करना है। चलिए इसी सीरीज में हम लोग आगे देखते हैं। पार्ट 6 में हम लोगों ने प्रोग्रेशन एंड बाइनोमियल की बात करी थी कि हम लोग ये आइडिया सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पार्ट 5 किए हैं। पार्ट 5 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हर पार्ट में 2 रहते हैं तो 5 पार्ट हो चुके हैं। जिन्होंने पहले प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे वो उन पार्ट्स को भी देखें और कुछ सीखने की कोशिश करें। पार्ट 6 में हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, कोफिशियंट ऑफ अल्फा की पावर टी, ये एक सीरीज दे रखी है। आप इसको ऑब्जर्व करोगे ये सीरीज क्या दे रखी है, एक तरह से जीपी में दे रखी है। आप देखो सेकेंड टर्म और पहले टर्म का रेशियो एक कांस्टेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, अल्फा प्लस क्यू अपॉन अल्फा प्लस पी। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये एक तरीके से हम लोग को समझ में आया कि एक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और हमसे क्या पूछ रहा है, कॉफिशियंट ऑफ अल्फा की पावर टी। तो यहां से क्या फील आ रहा है हम लोगों को, बाइनोमियल का और यहां से प्रोग्रेशन का। तो हम इस सीरीज का पहले हम लोग इस सीरीज का समेशन करते हैं। सीरीज का समेशन करने के बाद हम लोग आसानी से अल्फा की पावर टी निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। यहां पर आप देखो m-1 m-2 और लास्ट में अल्फा प्लस क्यू है, अल्फा प्लस पी है ही नहीं, मतलब अल्फा प्लस पी की पावर क्या हो गया, 0। तो m-1 m-2 .. 0 मतलब कितने टर्म्स हो गए, m टर्म्स हो गए। तो सबसे पहले हम इसका सम निकालते हैं। तो सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, पहले तो हम लोग सोचते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, m। चलिए हम लोग सम देखते हैं, सम ऑफ m टर्म्स ऑफ n जीपी क्या हो जाएगा। फॉर्मूला आता है a इंटू आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r-1। व्हाट इज a, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, अल्फा प्लस पी की पावर m-1। कॉमन रेशियो देखेंगे तो अल्फा प्लस क्यू अपॉन अल्फा प्लस पी की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, m। तो यहां पर हम लोग m लिखेंगे और -1 अपॉन r-1 फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस क्यू अपॉन अल्फा प्लस पी -1। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस पी की पावर m-1 और ये अल्फा प्लस क्यू की पावर m माइनस अल्फा प्लस पी की पावर m अपॉन अल्फा प्लस पी की पावर m। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एलसीएम लेंगे, ये माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, q माइनस पी अपॉन अल्फा प्लस पी आएगा। तो ये अल्फा प्लस पी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस पी की पावर m। समझ में आ रहा है, ये अल्फा प्लस पी हमारा ऊपर जाएगा तो अल्फा प्लस पी की पावर m हो जाएगा और ये अल्फा प्लस पी की पावर m इससे कैंसिल हो जाएगा और अंदर क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस क्यू की पावर m माइनस अल्फा प्लस पी की पावर m और डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस पी की पावर m और साथ ही साथ ये हमारा q माइनस पी भी लिखा हुआ है, क्यू माइनस पी, तो ये कैंसिल हो गया बेटा। आपको देखा कितना इजीली हम लोग को पहले ऑब्जर्व करना था, तो ये एक ऑब्जर्वेशन था कि ये प्रोग्रेशन है, जीपी है, फिर हम लोग को समेशन का फॉर्मूला लगाना है एन टर्म ऑफ जीपी का। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस क्यू की पावर m माइनस अल्फा प्लस पी की पावर m अपॉन क्यू माइनस पी। तो अब हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हुआ है और x की पावर r का कॉफिशियंट पूछा जाए तो क्या लिखते हैं आप, एन सी आर। अब यहीं पर अगर हम y प्लस एक्स की पावर n करें और x की पावर r का कॉफिशियंट करें तो क्या हो जाएगा, एन सी आर वाई की पावर n माइनस आर, यही करते हैं। सिमिलरली अगर हम यहां पर इसको ऐसे लिख लें, मतलब अल्फा की पावर t, तो अल्फा को हम यहां ले जाएं
क्या लिख सकते हो, q प्लस अल्फा की पावर m माइनस p प्लस अल्फा की पावर m अपॉन q माइनस p लिख सकते हैं बेटा। तो अब ध्यान से देखो, ये अल्फा है, मान लीजिए ये 1 होता तो हम अल्फा की पावर t का कोफिशियंट क्या बोलते, एम सी टी। लेकिन यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे आप, एम सी टी q की पावर m माइनस t। इधर भी ऐसे ही बोलेंगे, माइनस एम सी टी पी की पावर m माइनस t अपॉन q माइनस p। इस तरह से ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर ये आ गया। एम सी टी को हम कॉमन ले लें तो ये एम सी टी को कॉमन लेकर ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आपने सीखा कि कोई भी सीरीज आ रही है तो सबसे पहले आप उसको ऑब्जर्व करो, क्या वो जीपी है। अगर जीपी है तो पहले सम ऑफ एंड टर्म ऑफ जितने भी टर्म्स हैं, पहले टर्म्स कैलकुलेट करो कि कितने टर्म्स हैं, फिर उसका फॉर्मूला लगाकर आसानी से किया जा सकता है। इसी तरह के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता एक और हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन आप पढ़ें। अब इस में क्या दिया हुआ है, इफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 19, एक्स की पावर 19 का कॉफिशियंट हमारा बोल रहा है एम इंटू 22 सी एन है, वेयर एन प्लस एम 10 है। अब एम और एन हमारे नेचुरल नंबर है और एम और एन की वैल्यू बतानी है। चलिए पहले तो हम लोग देखते हैं सीरीज है क्या। अगर हम आर को जीरो डालें तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू एक्स प्लस 3 की पावर 20 और एक्स प्लस 2 की पावर 0। दूसरा टर्म क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस 3 की पावर, आर को 1 रखेंगे तो 19 हो जाएगा और ये एक्स प्लस 2 की पावर 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से चलते चलते हम लोग का लास्ट टर्म अगर हम लोग देखें, आर को हम 20 रखेंगे तो 21 एक्स प्लस 3 की पावर 0 और एक्स प्लस 2 की पावर 20। तो चलिए अगर हम इसकी बात करें इसके समेशन की, इसको हम एस नाम दें, ये एक सीरीज का समेशन दे रखा है तो हम लोगों ने पूरी सीरीज लिख ली। चलिए ऑब्जर्व करते हैं क्या है, x प्लस 3, x प्लस 3 की पावर 19, एक एक पावर कम हो रही है और इधर एक एक पावर बढ़ रही है, साथ में 1, 2, 3। तो अब आप ध्यान से देखो ये क्या है, 1, 2, 3 हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, एपी। और इसका रेशियो अगर आप देखोगे तो x प्लस 2 अपॉन क्या आ रहा है, x प्लस 3। तो अब ध्यान से देखो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 दिख रहा है। ये हमारा जीपी के कोरस्पॉन्डिंग टर्म है, ये देखो ये वाला टर्म और ये टर्म, इस तरह से आप टर्म्स जब सब देख रहे हो तो ये जीपी बना रहा है और 1, 2, 3 क्या बना रहा है, एपी। तो ये क्या हो गया, ए जीपी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। पिछला वाला भी लॉजिक यही था, बस उसमें जीपी बन रहा था। चलिए इसका सम हम लोग कैसे करते हैं, किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कॉमन रेशियो से। कॉमन रेशियो है एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एस। क्या करते हैं, उस कॉमन रेशियो को हम हर टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर अगर हम क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं आगे, तो इसमें x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 की पावर 19। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं इसमें और आगे लिखते हैं, तो x प्लस 3 की पावर 20 है ऊपर है और वो x प्लस 3 की पावर 1 नीचे है तो मिलकर हो जाएगा 19, और x प्लस 2 की पावर 0 है वो नीचे है, x प्लस 2 की पावर 0 है वो क्या है, x प्लस 2 की पावर 1, तो ये x प्लस 2 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते यहां 2 है और ये नीचे 1 है तो ये 21 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 20, क्योंकि इसके पहले वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सीरीज बनेगी, चेक करें यही बनेगा। और अब इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 21 इंटू एक्स प्लस 3 की पावर नीचे आ जाएगा और एक्स प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगा, 21 और इधर एक्स प्लस 3, क्लियर है, चेक कर ले। अब हम माइनस करेंगे तो हमें मालूम है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 यही है, सॉरी 1 माइनस ये, तो x प्लस 3 माइनस x, तो ये 1 अपॉन माइनस कर रहे हैं हम लोग। चलिए माइनस करने पर क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 3 इंटू एस,
एम आई राइट बच्चे लोग, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे देखें वीडियो, समझें इसको, आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ये एजीपी, एजीपी का सब हमें ऐसे ही निकालने को दिया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3 की पावर 20 और x प्लस 2 की पावर 0। फिर अगला x प्लस 3 की पावर 19 और x प्लस 2 की पावर 1। फिर अगला टर्म क्या होगा, x प्लस 3 की पावर 18 और x प्लस 2 की पावर 2, यही होगा। फिर लास्ट में ये हो जाएगा x प्लस 3 की पावर 0 और x प्लस 2 की पावर 20, और ये माइनस करके आएगा माइनस 21 x प्लस 2 की पावर 21 अपॉन x प्लस 3, करेक्ट। चलिए अब ये अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो हमारा s कितना आ जाएगा, x प्लस 3 की पावर 21 इंटू x प्लस 2 की पावर 0 प्लस x प्लस 3 की पावर 20 और x प्लस 2 की पावर 1। तो ऐसा करते करते यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 की पावर मल्टीप्लाई होगा तो 1 और x प्लस 2 की पावर 20 और ये कैंसिल होगा माइनस 21 x प्लस 2 की पावर 21। चलिए समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखें x प्लस 3 की पावर 21 से स्टार्ट होकर और x प्लस 3 की पावर 1 तक जा रहा है और ये 0 से लेकर 20 तक जा रहा है, तो कितने टर्म हो गए 0 से लेकर 20 में, 21। तो अगर इसी पैटर्न में अगर आप ध्यान से देखो, इसी के आगे हम देखें x प्लस 2 की पावर 21 लिख लें और ये माइनस 22 लिख लें, तो उसी पैटर्न में हमारा आगे एक प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब इसकी जगह हमने 1, मतलब इसकी जगह हमने ये लिख लिया 1 माइनस 22, बिल्कुल सही है। तो ये पूरा, अब ये पूरा ध्यान से देखो, ये इसकी जगह तो हम लोगों ने ये लिख दिया, ये क्या हो गया, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसका सम हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्या होगा इसका सम, कितने टर्म है, x प्लस 2 की पावर 0 से लेकर 21 टर्म है, पहली बात तो 21 तक है, 0 से लेकर 21 मतलब 22 टर्म्स है। तो सम क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लोग सम निकालते हैं और हमसे x की पावर 19 का कोफिशियंट पूछा है, तो इसका पहला टर्म तो यही हो गया x प्लस 3 की पावर 21, r क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 22, r की पावर नंबर ऑफ टर्म्स यहां से लेकर यहां तक और वो उधर अकेला पड़ा हुआ है माइनस वाला, तो कितना आ गया 22 माइनस 1 a इंटू आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। तो ये x प्लस 3, यहां पे देखो x प्लस 3 ऊपर जाएगा तो x प्लस 3 की पावर क्या हो जाएगा 22 होगा और ये क्या होगा x प्लस 2 की पावर 22 माइनस x प्लस 3 की पावर 22 अपॉन x प्लस 3 की पावर 22 और ये ऊपर चला गया और ये एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 माइनस x माइनस 3, तो ये माइनस साइन के साथ आएगा और ये x प्लस 3 ऊपर चला गया और ये इसका x प्लस 3 ये आ गया नीचे, करेक्ट। और इधर भी हमें ये भी लिखना है माइनस 22 x प्लस 2 की पावर 21, समझ में आ रहा है बच्चा लोग, क्लियर है, आगे बढ़े। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो गए, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस अंदर जाएगा तो x प्लस 3 की पावर 22 क्या आ जाएगा, x प्लस 3 की पावर 22 क्या हो जाएगा, x प्लस 3 की पावर 22 माइनस x प्लस 2 की पावर 22, चेक करें पीछे हम लोग देख लेते हैं एक मिनट। चलिए ये x प्लस 3 की पावर 22 माइनस साइन हो गया x प्लस 2 की पावर 22 और ये माइनस 22 माइनस 22 x प्लस 2 की पावर 21, ये आ गया हमारा सम, क्लियर है बेटा। अब x की पावर 19 का कोफिशियंट देखना है तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस x की पावर 22 माइनस 2 प्लस x की पावर 22 माइनस 22 इंटू एक्स 2 प्लस x की पावर 21, तो x की पावर 19 का कोफिशियंट क्या होगा 22c19 और 3 की पावर 22 माइनस 19 3, यहां पे 22c19 2 की पावर 22 माइनस 19 कितना होगा 3 और ये माइनस 22 21c19 और 2 की पावर 21 माइनस 19 2, यही आएगा। ये दोनों तो सेम है बेटा, बाइनोमियल कोफिशिएंट तो सेम है, ये 27 माइनस 8 तो 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा 27 माइनस 8 19,
तो ये 19 इंटू 22 सी 19। पहले हम लोग क्वेश्चन देखे क्या है, उसने बोला x की पावर 19 हमारा m टाइम्स 22 सी n है, ठीक है m। अब ये देखते हैं, अब हमें 22 ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया है m इंटू 22 सी 90 n, तो 22 तो आ गया लेकिन ये नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 22 इंटू 21 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल इंटू 4। तो हम 22 बनाने के लिए यहाँ 22 करेंगे और ये 3, मान लीजिए 2 है तो यहाँ पर हम लोग 3 कर दें, क्योंकि 22 फैक्टोरियल बनाएंगे तो बेटा नीचे 19 है तो यहाँ 3 फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 3 अपॉन 22 लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 22 सी ये 3 है, 3 फैक्टोरियल, या 3 फैक्टोरियल की जगह 19 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है 19 फैक्टोरियल ये 2 फैक्टोरियल इंटू 3 क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 19 और ये दोनों ऊपर क्या हो गया 22 फैक्टोरियल। अब ये 22 और 22 क्या हो गया, कैंसिल हो गया तो ये 12 आ गया, तो ये 12 माइनस 19 इंटू 22 सी 19, तो ओवरऑल ये हो गया 7 इंटू 22 सी 19 और ये 7 22 सी 3, तो ये 7 और 3 का सम क्या हो गया 10, तो m हमारा क्या आ गया 7 और n क्या आ गया 3। तो इस तरह से हम लोग ने 11th और 12th क्वेश्चन देखा, दोनों बाइनोमियल प्लस प्रोग्रेशन पर बेस्ड था। इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे दूसरे एजुकेटर्स जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह पढ़ाते हैं, जो IIT JEE की प्रिपरेशन करा रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, उस तरह के आपको एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इंदौर पल्स बाय अनअकैडमी को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो YouTube पर जाकर आप इंदौर पल्स बाय अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे इंदौर अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर भी इंदौर में खुल चुका है, तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आए एडमिशन प्रोसेस को समझें और ज्वाइन करें अनअकैडमी के ऑफलाइन इंदौर सेंटर को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि सर कुछ पैराबोला पर हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैराबोला के नया कॉन्सेप्ट, पैराबोला से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे पैराबोला का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट हमारे वीडियो में। चलिए ओके, थैंक यू।